और बता दें ग्लोबल मंच पर एक बार फिर से चीन बेनकाब हुआ है। भारत ने यूएन में आतंकी का ऑडियो सुनाया। बता दें आपको चीन ने ब्लैकलिस्ट करने का विरोध किया था। 26/11 हमले में वांटेड आतंकी है साजिदी। अमेरिका और भारत ने यूएन में प्रस्ताव रखा था जिस पर चीन की ओर से वीटो लगाया गया था और अब इसी पर एक ऑडियो टेप के जरिए चीन किस तरीके से बेनकाब हुआ है उसी से जुड़ा हुआ अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। भारत ने यूएन में आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाया। चीन ने ब्लैकलिस्ट करने का विरोध किया था। 26/11 हमले में वांटेड आतंकी है साजिद मीर जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिका और भारत ने यूएन में इसके खिलाफ प्रस्ताव रखा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कैसे एक बार फिर से चीन बेनकाब हुआ है। मोस्ट वांटेड आतंकी के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया था यूएन में, अमेरिका और भारत जिसके समर्थन में थे, उस पर चीन की ओर से वीटो लगाया गया था। उसी साजिद मीर का ऑडियो टेप यूएन में किस तरीके से सुनाया गया उसी से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। भारत ने यूएन में आतंकी का ऑडियो सुनाया। चीन ने ब्लैकलिस्ट करने का विरोध किया था। 26/11 हमले में मोस्ट वांटेड आतंकी है साजिद मीर जिसका ऑडियो टेप यूएन में सुनाया गया और एक बार फिर से चीन बेनकाब हो गया। बता दें आपको अमेरिका और भारत ने यूएन में इसके खिलाफ प्रस्ताव रखा था जिस पर चीन की ओर से वीटो कर दिया गया था और ऐसे में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सका था। लेकिन साजिद मीर का ऑडियो भारत ने यूएन में सुनाया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26/11 आतंकी हमले में मोस्ट वांटेड साजिद मीर का ऑडियो यूएन में सुनाया गया। तो भारत ने एक बार फिर से चीन को किया है बेनकाब, उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। भारत ने यूएन में आतंकी का ऑडियो सुनाया। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।